गाइस, आज संजीव की एनिवर्सरी है और हम आए हुए हैं अल बुराक होटल में। ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया का कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे बीच में फव्वारे होते हैं, बाहर फव्वारे और अंदर पूरा जो भी डेकोरेशन हुआ है पूरा सऊदी अरब लग रहा है। आप मेरे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं और बैक कैमरे से भी मैं दिखाता रहूँगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हम सऊदी अरेबिया में हैं। त्रिशा, सुमन, मम्मी सब सऊदी अरब आ गए हैं। अब आपको मैं एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। सुमन, कैसा लग रहा है ये होटल? बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से आप देखोगे इसका इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। मैंने आपको लगेगा कि किसी और कंट्री के होटल में आ गए हैं। अंदर की तरफ जो फुवारा है ये सऊदी अरब में ही होता है एंड काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसका इंटीरियर डेकोरेशन इतना अच्छा बनाया गया है। एवरीथिंग इज कूल एंड नाइस। ये बाहर पीने वीने के लिए एंड एवरीथिंग इज नाइस। पेड़ है काफ़ी पुराना। तो ये आई हुई है माता जी, आज यहाँ खाएंगी बुर्ज खलीफा। यहाँ इनका एनिवर्सरी है। वो दुल्हा बैठे हैं, ये दीप बैठा हुआ है, ये बना रहे हैं। तो हम ये टेबल पे बैठे हुए हैं। तो वी आर ऑन दिस टेबल। ये टेबल हमने हायर किया है और यहाँ पर हम खाएंगे। अभी देखते हैं मेनू में क्या क्या है उसके हिसाब से। तब तक मैं आपको थोड़ा डीपली इंटीरियर दिखा देता हूँ। अरे, आप जो पेड़ देख रहे हैं काफ़ी मोटे मोटे लगे हुए हैं, ये आर्टिफिशियल पेड़ हैं। ये देखिए, ये पूरा आर्टिफिशियल पेड़ है एंड इसका इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है। एक फ्लोर और है इसमें ऊपर की तरफ। ये देखिए, फोटोग्राफी चालू है एंड दिस इज़ द ब्यूटी। बाहर भी दो हैं एंड बहुत खूबसूरत है। ये पेड़ देखिए आप। क्या हो गया, क्या दुख है भाई? ओए, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बार थोड़ा यूनिक देखने मिला। ढाबा और थोड़ा रेस्टोरेंट का मिक्सअप किया हुआ है और थोड़ा ढाबा है। अच्छा लग रहा है देख के। अभी थोड़ा खाने में देखते हैं खाने में क्या है। बाकी इंटीरियर और लोकेशन तो मस्त है। अच्छा, डेफिनेटली ये पूरा ओमान और सऊदी अरेबिया का कॉन्सेप्ट है। जिसने भी बनाया है वो सऊदी का आदमी था, बहुत पैसा कमाया है, होटल बनाया। इनके शादी को 4 साल हो गए, इनके भी 4 साल हो गए, दोनों के 8 साल हो गए। ओम फोम। और ये प्रिशा, ओम को तूफान मचाती हुई मेरी बिट्टिया। प्लेट मत तोड़ना बाबू, अल बुराक है, पैसा छीन लेंगे ये लोग। माताजी और पिताजी आए हुए हैं। फोटो कोई और खींच सकता है? तो ये हमारी टेबल है जो सजी हुई है आखिरी तक। अभी इस पर आएगा गर्मा गर्म लजीज खाना जो कि हम खाएंगे। ये खाएगी, ये भी खाएगी, ये भी खाएंगी, ये भी खाएंगी, वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। तो रेगुलर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट हो नहीं पाता है। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था ब्लॉगिंग करने का बट किसी के कहने पर मैंने बनाना कर दिया। एक्चुअली ये आप जगह खुद जब आप एंटर करोगे इस रेस्टोरेंट में तो आपको खुद लगेगा कि मैं एक एक चीज डिटेलिंग के साथ एक्सप्लोर करूँ। बट क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, सबको बहुत भूख लगी है, नहीं कर सकते। मतलब जो सऊदी नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पर आए, ऐसा फील आएगा। आप गल्फ कंट्री में कहीं पे डिनर या लंच कर रहे हो, रात में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यहाँ के फव्वारे। बाहर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, उसको भी हम लेंगे। पीशा, इधर देखो पीशा, इधर ऊपर 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 पीशा पीशा ओ पीशा। पहले तो जब मैंने अंदर एंटर करके ये 3 बड़े बड़े पेड़ देखे, मुझे लगा ये पीपल या बरगद का पेड़ होगा, लेकिन गाइस डेफिनेटली ये फॉरेन कंट्री से मंगाया हुआ आर्टिफिशियल पेड़ है जो एकदम रियल दिखता है। मैं आपको अभी कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है पेड़ के साथ। डेफिनेटली मेन्यू समझ में नहीं आ रहा है। मेन्यू कार्ड खुलता हुआ, या पेड़ देखो, ये पेड़ 1, ये 2 और ये 3रा पेड़। उसके ये ऊपर देखो आप, ये पूरा आर्टिफिशियल है और बीच में है झरना। अगर लिटरली यहाँ पे डांस हो रहा होता तो ऐसा लगता कि हम मरने के बाद जन्नत में आ गए हैं और यहाँ पे एंटरटेनमेंट और खाना हो रहा है। समथिंग लाइक दैट। हैप्पी नेने मंथनी हंचुनी हम हैप्पी नेने मंथनी भैया बनाओ। ओम फोम। एनिवर्सरी इनकी है। नहीं मेरा बच्चा, कांटे वाला चम्मच ले लेना। ये बहुत खतरनाक लड़की है। अल्लाह हबीबी, कसम से हम आपको बताती है जगह पूरा सऊदी अरब लगती, बहुत मौज आती है यहाँ, एकदम नकली पेड़ असली जैसा लगती। हाँ प्रिया, तुम शैतानी कर लो बस।
चम्मच वम्मच ले लो बस। हाँ बस यही करो बस। तो जो भी गाइस नॉन वेज के लवर्स हैं मस्ट विजिट अल बुराक होटल, वसई रोड पे है ये। एंड मुझे तो नहीं पसंद तो मैं अंडे का ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, मिल गया तो बेटर, नहीं तो फिर चावल से सिर्फ काम चलाना पड़ेगा। तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, ये भी है तो एक मंगा लेते। क्या चाहिए? बहुत दुख की बात है। आप जाओ बेटा, आप जाओ बेटा, ऑर्डर दो फटाफट। भाई बड़का लड़का ना दे पाओ, था लोटा है सुमन ऑर्डर देते हुए। मेरे टाइप वाला कोई ऑप्शन नहीं था, बट शुक्र है लाख अल्लाह का, भगवान का, कि मुझे वेज बिरयानी खाने को मिल जाएगी। शुक्र है, वहाँ ऑर्डर की बात चल रही है। हमारी बिटिया मिस्टर चुड़ैल कुमारी अभी थोड़ी शांत है क्योंकि इनको गोली बटोरने वाला वीडियो लग चुका है। गाइस बहुत ही चुड़ैल, बहुत ही डायन, बट दिल की अच्छी हमारी अपनी प्रिशा। तश्तरिया लग रही है, भाई जान आ गए हैं, तश्तरी लगा रहे हैं, खाने का वेट हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेट लग रही हैं, काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट किया बैठने का। एंड सुमन प्रिशा को लेके घूमने गई है थोड़ा। एंड क्या आइटम है भाई? ये मसाला पापड़ है। ओके, मसाला पापड़ आ चुका है, अभी हम मसल देंगे इसको, रख देना भाई। ये मसाला पापड़ है, ये भाई जान लेके आए हैं। एंड मसाला पापड़ अराइव। खाने की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले हमारे पास आया है मसाला पापड़, लिज्जत पापड़ नहीं लेकिन मसाला पापड़, तो टेस्ट करते हैं। सो मसाला पापड़ आ चुका है और सुमन यहाँ बाहर घूम रही है, ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं मसाला पापड़ खाने का। वो देखो वहाँ 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 झूला झूला जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। ओ भाई झूला, चलो मसाला पापड़ आ चुका है। मसाला पापड़ ही नहीं की एनिवर्सरी हमको सऊदी अरब लेके आए हैं। सो दिस इज अल बुराक होटल, सो वी आर एट अल बुराक होटल। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी सारी चीजें हैं, ये फवारा, वो फवारा, ये भी फवारा। एंड होटल का व्यू काफी बेहतरीन है, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज अल बुराक, मस्ट विजिट। एंड इसका आप ये डिस्प्ले सिस्टम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये बच्चों का खेलने का बाहर दिया है, ये बाहर कुछ ऐसे शॉप्स हैं, ये ऐसा कार का एक व्यू बनाया है जिसको आप यहाँ कुछ कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर झूल रहे हैं। खाने का आइटम आ चुका है सूच, ये कुछ भाई। दिस इज ऑन हाईवे, ये पूरा हाईवे पे है। चलो अंदर चलो, खाना आ चुका है, बाहर आए हैं, झूला झूल रहे हैं। गो गो गो, या या। ये पूरा होटल यहीं से देख लो, और पिछले में मैंने दिखाई दिया था, दिखा दिया सो। चलो खाना आ गया, अरे आने दो खाना, मेरे को चालू है ना निकलना है यहाँ से। ओके, ये मैं था शीशे में। बहुत फिसल रहा है, पकड़ा
ये भाई लाए हैं लॉलीपॉप। आपका क्या नाम है भाई? अरे नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम है, वैसे बता रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्या है? चिकन लॉलीपॉप है। उधर भी बढ़ाओ। लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप। अरे मेरे प्लेट में भी लॉलीपॉप। रहा दे पहले खा। तो स्टार्टर आ चुका है, लॉलीपॉप लागे लूं। और स्टार्टर शाकाहारी लॉलीपॉप लागे लूं। त्रिशा क्या खा रही है बाबू? कौन सा आइटम है भाई ये? अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? बैठे हैं KGF 3। प्रिशा KGF 3। दस्तरखान चालू हो चुका है, सब खा रहे हैं अब। भका भक भका भक भका भक भका भक अल बुराक। सादा जीवन उच्च विचार। वाह वेज पुलाव मजा आ गया। कंदमूल आहा। हाँ बोलो तो है। पत्ता गोभी आहा। मुरई पाता आहा। तो यहाँ पे डाइनिंग शुरू हो चुकी है। इतने सारे शेरों के बीच ये सारे शेर जो खा रहे हैं, अभी एक अकेला खरगोश मैं कंदमूल खा के समय व्यतीत कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। भैया वेज पुलाव दे दो यार। बोला तो था वेज बिरयानी बन रहा है क्या? ओके खाना बड़ी देर से नहीं आ रहा है। मेरा बस एक ही सहारा, ये बार यहाँ पे शराब मिल रही है, यही पी के समय काटूंगा लग रहा है। भैया एक पैक देना थोड़ा। मैं तो जरूर आओ। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हो। ओ भाई वेज बिरयानी बनी क्या? वेज बिरयानी बोला बिरयानी। ओके तो आप देख रहे हैं इसका साइज कितना बड़ा। चला दो इन सारे भक्तों में भाई, ये यही सब खाते हैं। बहुत बड़ा चावल का ढेरा लगा रखा हमने यहाँ पे डेरा। ये तो नहीं बोला था जंबो बिरयानी। ओम फोम भाई साहब। खाने का समापन हो चुका है। आपने जो कादर खान बिरयानी देखी थी, इतनी बड़ी बिरयानी थी कि उसको आधे से ज़्यादा पार्सल लेके घर जाना पड़ रहा है। वो पैकिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, वो पैक हो चुका है भाई। काफ़ी बड़ी साइज की बिरयानी थी। अरे त्रिशा तो ये यहाँ का बार सेक्शन है, दिस इज़ द बार सेक्शन। एंड ये ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है, एक फ्लोर ऊपर भी। एंड ये पूरा आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। एंड ये पर्सनल केबिन्स बनाए गए हैं अंदर बैठने के लिए। एंड ये कूपन काउंटर है,
ये अंदर फैमिलीज बैठती हैं, ये आर्टिफिशियल पेड़ है यहाँ के टेबल, और ये हम जहाँ पे बैठे थे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत डिटेलिंग की गई है यहाँ पे, एंड ये झूमर एंड ऑल है, एंड काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है ये होटल, तो अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। सर हैं यहाँ पे, कितना आया? 3 करोड़। अभी घर जाने का वक्त आ गया है, और काफ़ी सुंदर जगह है जैसा कि आप देख चुके हो, एंड अभी हम घर जा रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सुमन वहाँ खड़ी है, दुबई आती, दुबई में जिम को बुलाती, क्या हुकुम मेरे आका। फाइनली पैकअप, खाना खा चुके हैं, ले भी जा रहे हैं, खा के भी जा रहे हैं, खूब सारा, बहुत हैवी बिरयानी थी भाई, यानी भाई जान ने सर्व किया था साहब, अभी हम घर जा रहे हैं, चलें घर पार्ट कम। सो एनिवर्सरी का समारोह ख़त्म हो चुका है, खूब दबा दबा खाया नॉन वेजीरियनों ने, एंड ये पैकिंग हुई है भैया, अभी 3-4 दिन घर पे कटेगा, खपा ठट खपा टक, हमारा बुढ़ा हुआ माई दादा झूला झूला काटे हैं, देखा पीछा प्रीशा, तो घर वर नहीं चलना है क्या भाई, चलो प्रीशा। सो अल बुराक होटल में आप आइए, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, आंखों को अच्छा अनुभव होगा, खाना भी अच्छा है, ठीक ठाक है, कुछ चीज़ें पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो नॉन वेजिटेरियन हो वही लोग आएँ, क्योंकि वेजिटेरियन का ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे, मैंने वेज बिरयानी खाई ठीक ठाक थी, नॉट बहुत स्पेशल, और थोड़ा पार्सल भी ले जा रहा हूँ, तो आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, थोड़ा प्यार दीजिए, बाय बाय, लव यू ऑल।